नमस्कार, मैं हूँ निधि। आप सबका वेलकम करती हूँ निधि किचन लाइफस्टाइल चैनल पे। दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ घरेलू नुस्खा शेयर कर रही हूँ ना, ये आपके सफ़ेद हुए बालों को बिल्कुल जड़ से काला बना देगा, बालों को सिल्की एंड शाइनी बनाएगा। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये रेमेडी जो है ना, ये आजमाया हुआ नुस्खा है। मैं खुद इस अपने बालों के ऊपर इसे ट्राई की हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो इस रेमेडी को आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल से आप अपने सफ़ेद हुए बालों को बिल्कुल जड़ से काला बना सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस रेमेडी को हमें किसी एक बाउल में बनाना है, कोई लोहे का बर्तन नहीं चाहिए, कोई रात भर इसे भिगो के नहीं रखना है। तो मैं यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच ले लूँगी हीना पाउडर, यानी कि मेहंदी, जो आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं अपने बालों के लिए, बस वही लेना है दोस्तों। केमिकल वाली नहीं लीजिएगा, जो 100% नेचुरल होता है वही हीना इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, इसे मैं थोड़ा सा क्रश कर दी हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो मैं लेने वाली हूँ, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, तो ये है आंवला पाउडर, यानी कि इंडियन गूजबेरी पाउडर। तो ये भी 1 चम्मच ले ली हूँ। ये हमारे सफ़ेद हुए बालों पे 100% वर्क करता है। अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच लेने वाली हूँ इंडिगो पाउडर, यानी कि नील पत्ती पाउडर। ये सारे इन्ग्रीडियंट आपको ईजिली किसी भी बंसारी शॉप पर मिल जाएगा, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इन सबको बिल्कुल अच्छी तरह से आपने करना है मिक्स। अब यहाँ पे डाल देना है हमें नारियल का तेल। तो सर्दियों में इस तरह से जम जाता है नारियल का तेल, तो आगे मैं बताऊँगी कि इसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 1/2 स्पून इतना कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल का तेल इस्तेमाल लेने वाली हूँ यहाँ पे। दोस्तों, नारियल का तेल हमारे बालों को नरिशमेंट पहुँचाता है, बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे ना नारियल का तेल, तो आपके बाल बिल्कुल घने होंगे, मजबूत होंगे, जड़ से काले भी होंगे। अब यहाँ पे मैं लेने वाली हूँ लेमन जूस, यानी कि 1/2 स्पून इतना मैं यहाँ पे नींबू का रस ले लूँगी, क्योंकि अभी के सीज़न में ना, सर्दियों के सीज़न में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होने लगती है, तो इन सब से ये आपको निजात दिलाएगा। अब यहाँ पे मैं जो पानी ऐड कर रही हूँ ना, ये पानी गुनगुना पानी है। जी हाँ दोस्तों, गुनगुना पानी ऐड करने से एक तो आपके नारियल तेल जो है ना, वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे हमने डाला है इंडिगो पाउडर, तो ये इसके साथ रिएक्ट करके बहुत ही अच्छा सा कलर देगा, और आपके बालों पे ये लंबे समय तक काला कलर बना के रखेगा, वो भी नेचुरल तरीके से। ये नहीं कि आज आप लगाएं और कल ही इसके कलर उतर जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। तो इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करना है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, पानी बहुत ज़्यादा आपको नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इसे मिक्स कर देना है, और बिल्कुल थिक कंसिस्टेंसी में ये रहना चाहिए, इस तरह से जैसे कि कोई भी आप हेयर पैक लगाते हैं, हेयर डाई लगाते हैं, बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी में रहना चाहिए। लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, आपको जो हेयर डाई ब्रश आती है ना, या टूथ ब्रश आती है ना, उससे आप अपने बालों के ऊपर लगा लें। कोशिश करें कि पूरे बालों के ऊपर लगा लें, जड़ पे भी लगा लें, मीन्स हेयर रूट्स पे भी लगा लें, और 45 मिनट से 1 घंटे के लिए अपने बालों पे रहने दें। फिर केवल और केवल आपको नॉर्मल पानी से वॉश करना है। दोस्तों, नेक्स्ट डे आप शैम्पू कीजिएगा, आपको 100% इसका रिजल्ट मिलने वाला है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।